हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। और आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसमें देखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसा बताया गया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस इसमें होंगे वो सारे के सारे डेबिट होंगे, और जितने भी इनकम्स, गेन्स, प्रॉफिट्स, सारी चीज़ें होंगी उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमने एंट्री पास करी थी ऑन सेंडिंग गुड्स, तो हमने एंट्री पास करी थी कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सो हम लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं, जर्नल से जब लेजर प्रिपेयर करते हैं तो इस एंट्री में हमने चेक देखा कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो एंट्री कहाँ पर पोस्ट होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में। तो एंट्री आ रही है कंसाइनमेंट अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो एंट्री क्या हो रही है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो हम जहाँ पर भी कंसाइनमेंट भेजेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे कंसाइनमेंट टू, सपोज करते हैं कंसाइनमेंट टू दिल्ली, तो हमने लिख दिया कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट। ओके, कंसाइनमेंट टू कानपुर है तो यहाँ लिख दिया हमने कंसाइनमेंट टू कानपुर अकाउंट, तो जहाँ पर भी कंसाइनमेंट होगा उसका नाम यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहली एंट्री हुई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, अगर कंसाइनमेंट में कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करे हैं कंसाइनर ने, तो हमने एंट्री पास करी थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ओके, और ऑल दी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट, जितने भी एक्सपेंस कंसाइनर इनकर्ड करता है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या ट्रीट किए जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट किए जाते हैं। तो एंट्री क्या हो रही है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये एंट्री डेबिट साइड में पोस्ट हो रही है टू बैंक के नाम से। वो एक्सपेंसेस कैरेज का हो सकता है, फ्रेट का हो सकता है, इंश्योरेंस का हो सकता है, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और सारे के सारे क्या ट्रीट किए जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड करें, जब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच जाता है तो कंसाइनी गुड्स को रिसीव करता है तो उसके भी कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं। ओके, सो अब ये कंसाइनर की जेब से नहीं जा रहा तो ये कंसाइनी का नाम रिकॉर्ड करेगा, इसलिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, वो उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसका कमीशन हो सकता है। ओके, अब कंसाइनी गुड्स को क्या करेगा, बेचेगा। अब कंसाइनी बेचेगा तो एंट्री हमने पास करी थी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो एंट्री कहाँ पोस्ट हो रही है, क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनी के नाम से सेल। फिर अगर कोई स्टॉक बच जाता है, अगर कुछ गुड्स बच जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम कंसाइनमेंट स्टॉक, क्या बोलते हैं उसको, कंसाइनमेंट स्टॉक, तो उसके लिए एंट्री पास करी थी हमने कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, सो ये क्रेडिट साइड में पोस्ट हो रही है कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसके लिए एंट्री हमने पास करी थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, वाइसी वर्सा, P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो इस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। अब इसको बनाने के बाद क्या होगा, एक अकाउंट सेल प्रिपेयर करेगा कौन, कंसाइनी, और किसको भेज देगा, कंसाइनी को भेज देगा। ओके, कुछ एंट्रीज और भी एक्स्ट्रा हो सकती हैं, जैसे कुछ एडवांस दे दिया कंसाइनी ने कंसाइनी को, तो हम उसकी एंट्री पास कर सकते हैं जो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पास करते थे। ओके, लेकिन वो एंट्री यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट में पास नहीं होगी। ओके, क्योंकि इन एंट्री से कंसाइनमेंट अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट परफॉर्म आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।